हेलो दोस्तों, जावा लेक्चर 7 में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो बिना देरी का ये हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने टॉपिक लिख रखा है मेथड और फंक्शन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मेथड और फंक्शन दोनों एक ही चीज़ होते हैं। कितने लोग मेथड्स बोलते हैं, कितने लोग फंक्शन बोलते हैं, तो आप दोनों में से कोई एक नाम यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले डेफिनेशंस और वाई वी नीड मेथड और फंक्शन, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं, फिर हम लोग प्रोग्राम करेंगे। व्हाट इज मेथड? मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच वी यूज टू परफॉर्म सर्टेन टास्क और एक्शन, इट रन्स व्हेन वी कॉल्ड। तो कहने का मतलब ये है, मेथड क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ब्लॉक ऑफ कोड कहने का मतलब एक पीस ऑफ कोड है। पीस ऑफ कोड, जैसे कि मेरा आप कर्सर पे देखिए, ये जो एक कोड है, इसको आप ब्लॉक ऑफ कोड या पीस ऑफ कोड कुछ भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्यों लिखते हैं? एक कोई पार्टिकुलर टास्क करने के लिए, कोई पार्टिकुलर टास्क। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें कोई सम निकालना है, तो सम क्या हुआ? एक टास्क हुआ। जैसे मल्टीप्लिकेशन निकालना है, टास्क है। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो एक टास्क हुआ। इतना समझ में आ गया। और इसमें लास्ट पॉइंट है, इट रन्स व्हेन वी कॉल्ड। और ये कब एग्जीक्यूट होता है, ये कब रन करता है? जब हम इसे कॉल करते हैं। मैं कॉल करना आपको सब चीज़ दिखाऊंगा, आप तब तक के लिए मैथड कहीं लिख लें। दूसरा पॉइंट है आपका, वाई वी नीड मैथड, मतलब हमें फंक्शन का क्यों ज़रूरत है। देखिए, फंक्शन का इसलिए हमें ज़रूरत है, आप लाइन पढ़ लीजिएगा, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ आप सभी के लिए। टू एलिमिनेट द डुप्लीकेट लाइन्स ऑफ कोड फ्रॉम प्रोग्राम। जैसे हम जो आगे पढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम बढ़ते जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप आगे पढ़ते चलिएगा, लाइन्स ऑफ जो कोड होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम के लिए बड़े बड़े कोड लिखे जाते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ कुछ लाइन्स, लाइन वाली चीज़ों को हम लोग बार बार लिखते हैं। तो क्या होता है, जो बार बार जो लिख रहे हैं, उस चीज़ को एलिमिनेट, मतलब उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया होगा कि डुप्लीकेट लाइंस को हम लोग रिमूव करने के लिए मेथड का यूज़ करते हैं। तो मेथड के सिंटेक्स के बारे में पढ़ लें। जो मेथड का जो सिंटेक्स होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सिंटेक्स ऑफ मैथड, तो पहला है स्पेसिफायर, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, नेम ऑफ मैथड और आर्गूमेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं। और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टू रिटर्न, ये क्या है? एक सिंटेक्स है, एक छोटा सिंटेक्स। अब मैं इसको आपको रियल में करके दिखाता हूँ कि ये सिंटेक्स देखें। इसे पब्लिक लिखा है, तो पब्लिक को हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक को हम लोग स्पेसिफायर बोलते हैं। स्टैटिक को क्या बोलते हैं? एक मॉडिफायर है। और जो इंट है, यहाँ पर रिटर्न टाइप है। और नेम ऑफ मैथड, मतलब मैथड का क्या नाम रहेगा। और आर्ग्यूमेंट्स, मतलब इसमें क्या पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रहे हैं। और ये स्टेटमेंट 1 और 2 का कहने का मतलब है, आप क्या उस मैथड में, मैंने पहले ही बोल रखा है मैथड क्या होता है, मेथड के जरिए हम कोई एक पार्टिकुलर टास्क करते हैं। तो स्टेटमेंट का मतलब हम टास्क क्या करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सम कर रहे हैं तो ए प्लस बी। और रिटर्न टाइप, तो रिटर्न क्या करने वाले हैं? सम फाइनली। तो यहाँ तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं, ताकि पूरा क्लियर हो जाए कि मैथड का यूज़ कैसे किया जाता है प्रोग्राम में। ये तो एक छोटा सा एक सिंटेक्स था दोस्तों। जैसा कि मैंने क्लिप्स ओपन कर दिया है, और यहाँ पे हम लोग अब मैथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैथड्स को कैसे अपने कोड में यूज करते हैं। यदि आप इस पॉइंट को देखकर सोच रहे हैं कि ये लिखा क्या है, तो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है कि फंडामेंटल्स टू बिल्ड प्रोग्राम, कैसे कोई भी प्रोग्राम जब करते हैं तो कैसे हम लोग उसको एनालाइज करते हैं कि कैसे हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। तो वही वही फंडामेंटल्स है। तो इस लेक्चर में हम लोग मैथड का यूज करते हुए सम करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, पब्लिक, क्लास, टेस्ट, पब्लिक, स्टैटिक, वर्ड मेन, ये क्या एक सिंटेक्स है। सिंटेक्स कहने का मतलब, ये बाय डिफॉल्ट इतना, ये जो है ये आपका मेन क्लास है। क्या है? मेन क्लास है। जब भी हमारा कंपाइलर जब भी एग्जीक्यूट करता है, तो हमेशा मेन क्लास को खोजता है। तो इतना आपको समझ लीजिए, अभी अभी के लिए आप रट लीजिए। मैं आपको आगे क्लास में भी बताने वाला हूँ कि हम लोग ऐसा ही क्यों लिखते हैं, क्यों नहीं कुछ और लिखते हैं। क्योंकि हम जब भी प्रोग्राम करने जाएंगे, वो चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, छोटा या बड़ा, वो हमेशा ये लाइंस यूज़ होंगे। क्लास, उसके बाद मेन क्लास, और ये तो आप जानते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलाइन प्रिंट करने के लिए होता है। तो बिना देरी का हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें मेथड्स का यूज़ करना है। तो हम इस लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं, दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। वैल्यूज़ हम लोग डिफरेंट ले लेते हैं। मान लीजिए इस बार अभी 10 12 ही है, तो मैं 10 और 20 ले लेता हूँ। इस बार हम 10 और 20 को यूज़ करेंगे। तो देखिए, इसके हिसाब से डिक्लेरेशन करेंगे हम लोग। इनपुट वेरिएबल्स क्या होगा हमारा? दो इनपुट वेरिएबल होगा। तो हम लोग इनपुट वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए ले लेते हैं, इंट ए इक्वल्स टू 10, जैसा कि हमने ऊपर लिख रखा है। दूसरा इंट बी इक्वल्स टू 12।
ट्वेंटी या ट्वेल्व कुछ भी ले लीजिए, थर्टी में ले लेता हूँ। जैसा कि मैंने बताया मेथड्स का यूज़ करेंगे, ये जो क्लास है इस क्लास को हम लोग इस क्लास के अंदर मेथड, आपको भी मैंने क्या बताया था ये देखिए, मैं फिर वापस चलता हूँ। मैंने बताया था एक ये जो होता है इसका सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स कैसा है, स्पेसिफायर मॉडिफायर, तो मैं इस सिंटेक्स को यूज़ करूँगा। क्या सिंटेक्स यूज़ करूँगा, पब्लिक स्टैटिक, देखिए रिटर्न टाइप, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका रिटर्न टाइप। देखिए यहाँ पर रिटर्न टाइप, यहाँ पे इंट लिखा हूँ, इंट इसलिए लिखा है क्योंकि मैं सम करके फिर से मैं आपको समझाऊंगा। इंट मेथड नेम, तो मेथड नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं सम करने जा रहा हूँ, तो सम सम ऑफ टू नंबर लिख सकते हैं, सम ऑफ टू नंबर, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर। और इसके बीच में क्या है, आर्गुमेंट्स हैं, तो इंट आई कॉमा इंट जे। ये सिंटेक्स के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने सिंटेक्स के थ्रू ही लिखा, जैसा सिंटेक्स लिखा था, पब्लिक ये स्पेसिफायर मॉडिफायर रिटर्न टाइप ये। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको और आपको इतना समझ में आ गया ये मैंने क्या किया, इनपुट वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो अब ये मेथड हमने लिख दिया, अब मेथड में हमें क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो सम कैसे होगा, देखिए पैरामीटर क्या है, आई और जे, आई में कुछ वैल्यू है, तो पहले हम इसको कॉल कर लेते हैं। कैसे कॉल करेंगे, ये सेम क्लास के अंदर है, तो हम लोग सिर्फ मेथड का नाम लेंगे, कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 10, 10, 20, ठीक है, 10, 30, 30 नहीं लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी वैल्यूज इनिशियलाइज कर दिया है, तो ए और बी, तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या ले लेंगे, ए कॉमा बी, क्योंकि ए के पास क्या है 10 है, बी के पास क्या है 20 है, और सेमी कॉलन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये देखिए इस मेथड को ये कॉल करेगा, किस मेथड को, इस मेथड को, अब कैसे कॉल होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जब भी मेथड कॉल करते हैं, तो मैंने आपको ये आप लिख लिए होंगे, ये इतना समझ में आ गया क्योंकि ये सिंटेक्स है इसका, तो इसको मेन क्लास के अंदर क्या लिखते हैं, मेथड नेम लिखते हैं, और जो भी आप पैरामीटर, कितने पैरामीटर पास कर रहे हैं, वन और टू पैरामीटर आप लिख रहे हैं, तो यहाँ टू पैरामीटर आपको पास करना होगा। यदि आप यहाँ थ्री पैरामीटर लिखते हैं, तो यहाँ भी थ्री पैरामीटर लिखना होगा, और ए और बी का वैल्यू क्या है, 10 और 30 है, तो मैंने ए और बी लिख दिया क्योंकि ए बी को ऑलरेडी असाइन कर चुका हूँ। तो देखिए क्या होगा, जब हमारा कंपाइलर, जब कंपाइलर एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा कंपाइलर, जब कंपाइलर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा मतलब रन चलेगा, जैसे ही हम हिट करेंगे, तो कंपाइलर हमेशा इस मेन मेथड को खोजता है, खोजते खोजते यहाँ पहुँचेगा, यहाँ करके देखेगा ओके प्लस लाइन के पास जाएगा, उसके बाद ये इस लाइन को चेक करेगा ओके ये क्या है, तो देखेगा कि ए को 10 से असाइन किया गया है, फिर इस लाइन को देखेगा ओके बी को 30 से असाइन किया गया है, फिर ये नीचे आएगा, नीचे आता है तो देखेगा ओके सम ऑफ टू नंबर, ये कोई मेथड है जिसको यहाँ से कॉल किया जा रहा है। कॉल कैसे करते हैं, मेथड का नाम लिखते हैं और उसका पैरामीटर जो भी आप मेथड में यूज़ करने जा रहे हैं उसको कॉल कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेथड कॉल हो जाएगा कहाँ, इसके पास चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ यहाँ पे जो ए के पास 10 है, तो आई क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इनिशियलाइज 10 से हो जाएगा, और जो बी है, बी के पास कितना 30 है, तो जे क्या होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये पैरामीटर पास कर रहे हैं हम लोग, तो बी जी क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, कमेंट में लिख देता हूँ, जो यहाँ पे आई इक्वल्स टू ए हो जाएगा कॉमा, जो जे है जे इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। अब हमें सम करना है, तो मैंने आपको बता रखा था कि मेथड का सिंटेक्स क्या होता है, ये मेथड का सिंटेक्स ये होता है, इसके बाद हम लोग सम सम करेंगे ए प्लस बी। तो देखिए हम लोग कहीं ना कहीं वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे, तो एक इंट सम इक्वल्स टू स्टार्टिंग में हम लोग 0 एन साइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सम इक्वल्स टू ए, ए नहीं, अब यहाँ हमारे पास क्या है, आई और जे है, तो आई प्लस जे क्या हो जाएगा,
आई प्लस जे सेमी कॉलन। अब तीसरा क्या होता है, हमने स्टेटमेंट लिख दिया, तीसरा क्या होता है हमें रिटर्न करना होता है, तो फाइनली मेथड में क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे, आर ई टी वन रिटर्न। रिटर्न क्या करेंगे, हमने एडिशन यहाँ पे क्या कर लिया, एडिशन कर लिया, तो ऐड करने के बाद ये वैल्यू किस में साइन हो गया, सम के पास साइन हो गया, तो हम लोग सम रिटर्न करेंगे। अब देखिए कैसे एग्जीक्यूट होता है, कंपाइलर इसके पास आया, इसने वैल्यू देखा कि साइन हो चुका है, फिर देखा वो मेथड कॉल कर रहा है तो मेथड के पास गया, ऐसे चला जाता है। ओके ये गया मेथड के पास, मेथड के पास आई जे का वैल्यू दे दिया, ए दे दिया आई को, पी दे दिया जे को। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल ले लिया जो कि उसका जीरो रखा सम का, फिर आई और जे सम कर दिए, सम को हम लोग क्या कर दिया इस सम के अंदर डाल दिया, फिर यहाँ से रिटर्न, रिटर्न मतलब ये वापस कर रहा है, अब इसने ऐड कर दिया तो रिटर्न टाइम हम लोग इसलिए यहाँ पे इंटीजर लिखे हैं। यदि आपका रिटर्न यदि ब्लॉक फ्लोट टाइप होगा तो आप फ्लोट लिखेंगे, स्ट्रिंग टाइप होगा तो स्ट्रिंग लिखेंगे। मैं आगे आपको हर लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा, अगले अगले लेक्चर में आपको स्ट्रिंग टाइप डबल टाइप सब करके दिखाऊंगा। तो ये क्या होगा, अब यहाँ सॉल्व हो गया, यहाँ पे ऐड कर लिया मतलब 10 और 30 ऐड कर लिया, और इसके बाद ये रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न करेगा फिर वापस कहाँ जाएगा, जो कॉल किया था वो उसके पास चला आएगा, तो मतलब हमारा वैल्यू यहाँ पे ऐड होकर आ चुका है, तो फिर हमें यहाँ पे स्टोर करना होगा। आपको पता है प्रोग्रामिंग में हर वैल्यू को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई हमें वेरिएबल लेना पड़ता है, तो क्या करेंगे हम एक इंट टाइप क्या लिख देंगे, डिस्प्ले लिख देते हैं, डिस्प्ले। तो क्या हुआ, ये वैल्यू कॉल हुआ, सम होकर के आया इसके पास वैल्यू, फिर ये डिस्प्ले के अंदर चला गया। अब हमें डिस्प्ले प्रिंट करना है, तो बाकायदा हम यहाँ पर डिस्प्ले लिख देंगे। अब क्या होगा, वैल्यू जो यहाँ पे सम होकर आया था वो डिस्प्ले के अंदर चला गया, फिर डिस्प्ले में हम लोग क्या कर दिए इसके थ्रू प्रिंट करा देंगे। देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को, देखिए 40 आया, क्यों 40 आया, क्योंकि 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40 होता है। मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ, मैथड्स ये जो हुआ आपका प्रोग्राम ये मैथड है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको सेंटेक्स बता दिया है, स्पेसिफायर मॉडिफायर रिटर्न टाइप नेम ऑफ मैथड्स आर्गूमेंट, ये है आपका मेन क्लास। हमेशा कंपाइलर मेन क्लास को खोजता है, पहले मेन क्लास के पास देखा कि ओके वैल्यू असाइन हो चुका है, फिर यहाँ से हम लोग कॉल इसी तरह मेथड, जब भी यहाँ से क्या हो रहा है मेथड कॉल हो रहा है, कॉलिंग किया जा रहा है, यहाँ से कॉलिंग हो रहा है, किसको, कॉलिंग ऑफ मेथड, मेथड को कॉल किया जा रहा है। कैसे कॉल होता है, मेथड का नाम लिख करके उसके पैरामीटर जितने हम लोग पैरामीटर पास करने वाले हैं, फिर उसके बाद जब रिटर्न कर दिया यहाँ से, तो रिटर्न मतलब ऐसे रिटर्न किया, फिर वापस इसके पास आ गया जो कॉल किया था। सिंपल समझिए, हम यदि किसी को सामान देने के लिए बोले कि जाओ 10 रुपये का मार्केट से सामान लेकर आओ, तो वो जाएगा, अब वो मोल भाव करके सामान ले लेगा, फिर वापस किसको देगा, इसको। तो समझिए ये मोल भाव जो हो रहा है बीच में, यही वो आपका मेथड हो रहा है, क्योंकि आप वो तो देखने नहीं जा रहा है, तो मेन क्लास ने इसको भेज दिया और ये मोल भाव हुआ, मतलब यहाँ पर सॉल्व किया गया, फिर वापस इसको आ गया। तो वापस आने के बाद इस फिर हमें इसको डिस्प्ले भी करना है, तो इसको क्या क्या वैल्यू हमने कहीं पे स्टोर कर लिया, ये वेरिएबल है। यदि आपने वेरिएबल नहीं जानते हैं तो आप मेरे पिछले लेक्चर में जा कर के देख सकते हैं कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ आकर के हमारा डेटा फिर इसमें आ गया, फिर हमने इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से प्रिंट कर लिया। तो जैसे कि आपने इस लेक्चर में देखा कि मैथड को कैसे कॉल करते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, मैं आपको इसी तरह, ये आप अभी बेसिक हैं, मैं आपको ज्यों ज्यों क्लास आगे लेक्चर बढ़ते जाएगा त्यों आपको मैं बड़ा बड़ा कोड एक छोटे वे में करके दिखाऊंगा, इजी वे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।